खुशियों के ये पल आज है और है कल, हम इस पल को जी ले। कुछ खा पी ले, पिज्जा पॉइंट कंगोर फॉर डिलीशियस मोमेंट्स। सिंधी समाज महासमिति अजमेर के तत्वावधान में रविवार को स्वामी कॉम्प्लेक्स के बैंकेट हॉल में 109 मेधावी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप प्रदान की गई। इस अवसर पर शांतानंद उदासीन आश्रम पुष्कर के महंत स्वामी हनुमानाराम ने कहा कि स्वामी हृदयराम साहिब की प्रेरणा से आयोजित यह कार्यक्रम सराहनीय है। समाज के भामाशाहों को चाहिए कि वह इस प्रकार के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि समाज के प्रतिभावान बच्चों का उत्साह बढ़े। प्रेम प्रकाश आश्रम वैशाली नगर के संत स्वामी ओमलाल शास्त्री ने कहा कि समय परिवर्तनशील है, अतः बुरे वक्त में संयम बनाए रखें और अच्छे वक्त में अच्छे कार्य करें। नौजवान संत ओमलाल शास्त्री जी के समाज में भाग माता बन गए और ये सही जो कि असमी नौजवानों में असम संत मनाज रहे संत आदिवासी बराबर मां सड़क साल जो संत सा रहना है तो मैंने भी वो ये सब आए पर संत दिशा जो रूटीन होंगे हो अनुसार लेकिन जेके 100 साल में संत कम कया वो शायद नौजवान भी न कर सके। आरएस अधिकारी सुरेश सिंधी ने बच्चों को प्रेरणा दी कि उन्हें एकाग्रचित्त होकर सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देना चाहिए। घणई अड़ी संस्थाओं कम कन पियं तमाम सुठो कम कन पियं कि बार पढ़ाई लाजी सेवा तन मन धन से कन था। इतने ऐसी सुठो तो लगे कि 80% का छोकर छोकरा शायद छोकर तो कोई एक ही यही गाल मुझे नौकरी में आर एस में 8 छोकर मर्द आयो बई थोड़ा छोकरी जा वार फुल मथे में उन 8 में भी एक छोकरी शैली किशनानी आईएएस ठही हुई है, मंजू राजपाल वह पहले ही आईएएस ठही हुई हुई। वरिष्ठ पत्रकार गिरधर तेजवानी ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी जरूरी हैं और कोई भी व्यक्ति चाहे कितनी भी सफलता हासिल कर ले, लेकिन यदि उसमें संस्कार नहीं है तो वह समाज के लिए दुखदायी होगा। उन्होंने कठिन समय में भी आत्मबल कमजोर नहीं देने की प्रेरणा दी। उन्हें बावजूद जो तो ताजे अंदर जज्बो आए पढ़ाने जो अपने बधान जो तकाते अति दिखा रहे हैं ऐसा है। खुशी है समाज के समाज समिति के जो तय ताजे वाले बारं क्या सां सम्मानित कर रहे। असल में ही जिंदगी जेका है ना वो नेगेटिव। सिंधी समाज महासमिति अध्यक्ष कंवल प्रकाश कृष्णानी ने कहा कि विद्यार्थियों को संस्कार, पहनावा, अनुशासन और समय का सही उपयोग कर समय के साथ साथ राज्य और देश का नाम रोशन करना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे सोशल मीडिया पर अपने समय का सकारात्मक तरीके से कम उपयोग करें। हमेशा प्रेम प्रकाश आश्रम का ट्रस्टी नरेंद्र जी दादा असल में असा संत ओमलाल साईं आईएएस अधिकारी यदि पढ़ाई करे डिग्री पाए यदि अग्या बढ़नो आ प्रेरणा देने वाला असा सुजय सिंधी साहब। इस अवसर पर सभी अतिथियों द्वारा प्रतिभावान विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप और अन्य उपयोगी सामग्री का वितरण किया गया। एमपी नानकराम एंड कंपनी द्वारा एक मेधावी विद्यार्थी को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने पर साइकिल भेंट की गई। कार्यक्रम के प्रारंभ में सभी अतिथियों ने स्वामी हृदयराम साहिब की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया।
मंच संचालन सिंधी समाज महासमिति महासचिव हरि चंद्रानी ने किया और अंत में धन्यवाद संस्था अध्यक्ष कमल प्रकाश कृष्णानी ने दिया। इस अवसर पर सिंधी समाज और सिंधी समाज महासमिति सदस्य पदाधिकारी मौजूद रहे। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।